Hey, hello everyone, namaste and welcome back to my channel. तो आज हम लोग दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं एक होम स्टे पर. तो जाते जाते आप लोगों को भी हम नज़ारा दिखाते जाएंगे. तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ जाएंगे एक दूसरे ही दुनिया में. तो अब शुरू हो गया हमारा सफ़र यही रास्ते से. और जो आप भी जा रहे हैं वो है दार्जिलिंग मिरिक नाम का एक जगह है, उसी से होकर हमें जाना है. तो एक वैली है वहाँ पे और सुना है एक खुशी नाम का एक फार्म है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं, जो बहुत ही मनोरम प्रकृति से घिरा हुआ एक वैली है जहाँ पास में एक रिवर भी बहती है और अपना ही स्विमिंग पूल भी है. सुनिए. तो दिल में बहुत ही जिज्ञासा और एक्साइटमेंट लेकर हम निकल पड़े हैं. और आप सब भी देखते जाइए. और ये है दुधिया नाम का एक जगह का जो एक ब्रिज है, पुल है, जहाँ से हमको गुजर के जाना ही है. तो ये भी देखिए, मेरे ब्लॉग्स में आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे शायद. और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है. और अब तो हम लोग पहाड़ की ओर निकल पड़े. और हमारे साथ साथ आप भी अनुभव कीजिएगा और हमारे डेस्टिनेशन आने पर फिर बात ही होगी. तो दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए, तब तक देखते जाइए. स्विमिंग पूल दिखता है और देखिए चारों तरफ टी गार्डन से हरियाली है, पहाड़ है और बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं इधर, ट्रॉपिकल प्लांट्स. और छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं जगह जगह पर. इतना अच्छा नज़ारा है ना. देखिए कैमरा भी है. और बहुत सारा फ्लावर्स है और प्लांट्स, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स. और बहुत ही अच्छी तरह से लैंडस्केपिंग किया हुआ है और बीच बीच में छोटा छोटा कॉटेजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे गेस्ट रहते हैं. और जब हम आए तो सिर्फ हमारे लिए बुकिंग था, कोई और नहीं था. तो हम 3 कमरा चाहिए था तो 3 बुक किए थे. और इस तरह से जाता है एकदम
बहुत ही नेचुरल लुक है और देखते ही बहुत दिल खुशी से भर जाता है। और इधर हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ, कंफर्टेबल हुआ स्टे। और ये जहाँ पे अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ, ये है वहाँ पे किचन डाइनिंग रूम है, और वहीं पे हमारा दो रूम बुक था और एक दूसरा ही कॉटेज भी बुक था। तो ये है उन लोगों का मेन जैसे रिसेप्शन जैसा ही, और इधर ही खाना भी बनता है। देखिए बाहर का नज़ारा, और उस ओर एक रिवर है, स्ट्रीम जैसा छोटा सा, तो मैं कल सुबह में दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो रात होने वाली है, लाइट्स भी जल गए अंदर, देखिए बाहर अंधेरा होने वाला है। तो इस तरह से हम इधर एंट्रेंस है, तो इधर से हम एंटर हुए, और यहाँ पे देखिए साइड साइड में दो बेडरूम्स है जो हमारा ही बुक किया हुआ है, हम इधर ही ठहरेंगे। और ये है डाइनिंग हॉल, और अच्छी तरह से करीने से ढंग से सजाए हुए। और ये लैब है बहुत ही प्यारी सी, उसका नाम है साइली। हाँ वो थी, तो हम तो डॉग से तो बहुत प्यार करते ही हैं, घर में तो सात आठ आठ कुत्ते हैं हमारा। तो देखिए सब इधर लिखा हुआ है खाने के बारे में, फ्रिज के ऊपर, और इस तरह से हमारे लिए खाना एकदम रेडी था गरम गरम, तो जाते ही हम लोगों को दिया गया। हम थोड़ा देर से पहुँचे ना, तो लंच किया उसी टाइम में, तो बहुत देर से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारा। तो बेडरूम्स देखिए, और इधर ऐसे एक सिटिंग एरिया है, और ये मैं और मेरी छोटी बेटी रही थी इधर, और बहुत ही कंफर्टेबल है, एक फेरी टेल जैसा घर है, कॉटेज है, और ये है किचन उन लोगों का। तो मैंने यहाँ भी शूट कर लिया, दो आदमी थे खाना बनाने वाले, तो खाना बना रहे थे वो लोग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही अच्छे लोग हैं इधर। और देखिए बहुत ही सिंपल सा किचन है, और बाहर का नज़ारा, बैक डोर किचन का वो बैक डोर से, और बाहर ऐसे दिखता है। रात होने वाली थी, और मैं सुबह उठ के फिर मैं शूटिंग करूँगी, तब मैं दिखाऊँगी अच्छा सा होगा तब। तो खाना बन रहा है, खाना रेडी कर रहे हैं, खाना तो पहले बन चुका, तो हम लोग अभी खाने जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बजे है 6, वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर से उठी 6 बजे। तो उसके बाद देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, और साथ साथ में नदी बह रही है उस साइड में, मैं अभी दिखाऊंगी, तो उसका आवाज़ भी बहुत ही लुभावनी आवाज़ थी, और पंछियों की आवाज़ भी आप सुन सकते हो, सुन लीजिए अभी।
तो दोस्तों ये दूसरा दिन है, हम इस फार्म पे, खुशी फार्म पे आ गए हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर बहुत ही अच्छा जो प्रकृति का मनोरम दृश्य है, सीनिक व्यू है, और बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छा बंदोबस्त है, तो बहुत अच्छा लगा और इन्जॉय भी बहुत किया। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी आ जाए और इन्जॉय करें यहाँ पर। आर्या in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I got my bags packed, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. Be needing that. I won't be needing that. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. तो दोस्तों अभी हमारा ये जो शॉर्ट ट्रिप था, टूर था होम स्टे के लिए, तो यही ख़त्म होता है। आते आते हम लोग मिरिक झील में भी कुछ बोटिंग कर लिए। तो आप लोगों से अभी मैं विदा चाहूँगी क्योंकि बहुत ऐसे भी बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो यहीं भी आप लोगों से मैं विदा चाहूँगी। अभी गाड़ी का सफ़र बहुत वो सब दिखा नहीं सकती अभी मैं। तो जैसे तैसे हम लोग घर पहुँच गए, तो फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।